नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 17x60 फीट के प्लाट के ऊपर घर का बहुत ही सुंदर नक्शा। दोस्तों, किसी सज्जन ने मुझे कमेंट किया था काफ़ी टाइम से कि 17x60 फीट का मेरा प्लाट है, उसके ऊपर आप नक्शा तैयार करके दीजिए, रिक्वेस्ट की थी। तो मैंने आज आप सभी के लिए ये प्लान तैयार किया है। काफ़ी अच्छा वास्तु के अकॉर्डिंग ये प्लान है। उत्तरमुखी यानी साउथ फेसिंग इस प्लाट की यानी इस जमीन की जो फेस है वो साउथ फेसिंग है, यानी कि उत्तरमुखी ये प्लाट है। दोस्तों, इस जो मकान के तीनों तरफ पड़ोसियों के मकान हैं और सिर्फ सामने का फ्रंट एरिया ओपन है, जिसकी चौड़ाई 17 फीट है और लंबाई 60 फीट है। ठीक है, प्लान समझाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी वीडियो के नीचे दिया गया सब्सक्राइबर बटन दबाकर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको पूरा प्लान समझा देता हूँ। दोस्तों, ये पूरा आज का प्लान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आगे से मेन रोड निकल रही है। प्लाट की चौड़ाई 17 फीट है। ये मेन गेट, मैंने लोहे का मेन गेट यहाँ पर दिया है। यहाँ से आप जैसे ही एंटर करते हैं, घर के अंदर पार्किंग के लिए मैंने 15x11 फीट का स्पेस छोड़ा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी 4-व्हीलर 2-व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं। उसके बाद में घर के बाहर ही मैंने कॉर्नर छोड़ के लेट और बाथ का ऑप्शन दिया है, जो वास्तु के अकॉर्डिंग एकदम सही है। आपको मैं बता दूँ, ध्यान रखें, ये उत्तरमुखी प्लान है, यानी कि इसका उत्तरमुखी फेस है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप यहाँ पर अपना गार्डन वगैरह हल्का बहुत पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जिससे आपके घर की सुंदरता काफ़ी बढ़ेगी। उसके बाद में जैसे ही आप आगे चलेंगे, यहाँ पर घर की मेन चौखट, काठ की चौखट है, वो यहाँ पर लगेगी। अगर आप चाहें तो एक विंडो यहाँ पर बाहर की तरफ रख सकते हैं, जिससे आपके आंगन का वेंटिलेशन बहुत अच्छा बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये आंगन है, इसका स्पेस है जो 16x15 फीट है। 16 फीट इसकी चौड़ाई है और 15 फीट इसकी लेंथ है, लंबाई है। ठीक है दोस्तों, इस आंगन के अंदर ही मैंने 5x5 का काफ़ी स्पेसफुल पूजा घर रखा है और यहाँ पर मैंने सीढ़ियाँ रखी है जो पश्चिम मुखी चढ़ेगी और पूर्व मुखी ये ओपन छत के ऊपर खुलेगी, जो वास्तु के अकॉर्डिंग काफ़ी सही रहती है। सीढ़ियों के नीचे भी काफ़ी स्पेस रहेगी, जहाँ पर आप अपने सोफे वगैरह सेट कर सकते हैं। सामने की दीवार में आप टीवी वगैरह लगा सकते हैं। काफ़ी खुला खुला आपका आंगन रहेगा। उसके बाद में दोस्तों, ये 5 फीट चौड़ी मैंने एक गैलरी रखी है, जो आपके आंगन से सीधी रसोई तक जा रही है। रसोई और आंगन के बीच में एक मैंने 12x12 फीट का काफ़ी स्पेसफुल बड़ा रूम दिया है, जिसका बेड यहाँ पर देख सकते हैं, जो वास्तु के अकॉर्डिंग मैंने सेट किया है। इसके ठीक सामने मैंने एक विंडो यानी खिड़की रखी है, जो आपके आंगन में सीढ़ियों के नीचे की दीवार में खुलेगी, जिससे रूम का वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा बना रहेगा। इस गैलरी से जैसे आप आगे जाएंगे, आपको यहाँ रसोई मिलेगी, जो मैंने रखी है। 10x6 फीट की इसकी लेंथ है, 10x6 फीट लंबाई चौड़ाई में ये रसोई है, जिसका गैस चूल्हा उत्तर यहाँ पूर्व मुखी मैंने रखा है। उत्तर की दीवार में आप सिंक रख सकते हैं, जो वास्तु के अकॉर्डिंग सही है। इस रसोई के और अंदर से ही मैंने रूम का ऑप्शन रखा है, यानी आप जैसे रसोई में एंटर करेंगे, यहाँ मैंने रूम का ऑप्शन रखा है। यहाँ मैंने इसके अंदर रूम का ऑप्शन इसलिए रखा है कि अगर आप रूम का अलग गेट देते तो आपका ये रूम यहाँ पर सेट नहीं बैठता। कम जगह में अच्छा प्लान बनाने के लिए मैंने यहाँ रूम का ऑप्शन रखा है, जो काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये रूम काफ़ी बड़ा है, मास्टर बेडरूम है, 16x9 फीट का बेडरूम है। यहाँ पर आप बेड देख सकते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग ये सही है। आपकी रसोई यानी किचन और रूम के वेंटिलेशन के लिए और पूरे घर के वेंटिलेशन के लिए मैंने 7x6 का ये ओपन एरिया रखा है, जो आप जाल देख सकते हैं, ये छत के ऊपर आपका खुलेगा, यानी कि ये पूरा एरिया आपका ओपन रहेगा, जिससे घर रसोई का, घर का और रूम का वेंटिलेशन बना रहेगा। रूम को हवादार रखना, पूरे घर को हवादार रखना काफ़ी अच्छा होता है, वास्तु के अकॉर्डिंग भी। घर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, मैंने ये वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान तैयार किया है, आई थिंक आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आगे भी अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइबर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।
थैंक यू दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।